आप पूरी तरह से सुनने के लिए आमादा हैं आपके हमारे महबूब शायर आली जनाब दिल खैराबादी साहब को। इस वक्त रात के इस हिस्से में दिल खैराबादी साहब को इस इलाके से जो उनसियत रही है वो सिर्फ इसलिए रही है कि दिल के नाम पर आप लोग रात के आधे रात तक सुबह तक आप लोग बैठते हैं, इंतजार करते हैं और गजल का ये हमारा महबूब और अलबेला शायर आपके इस इलाके से बेपनाह मोहब्बत इसे मिलती रही है। मैं गुजारिश करता हूँ दिल भाई से, वो आ रहे हैं, आप लोग जो कुछ मुंतशिर हो गए कोई बात नहीं, जो जहां है वहीं से जोरदार तालियों से आपके हमारे महबूब शायर आली जनाब दिल खैराबादी साहब के इस्तकबाल। मोहतरम हजरात, ये रात के आखिरी पहर में सर्द के मौसम में ये नौजवान तमाम बैठे हुए हैं, ये उर्दू की मोहब्बत में हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो भिमंडी से आकर के आज के मुशायरे की जीनत बने हुए हैं। मेरी मुराद आबरूए अदब जनाबे सदर बावकार शुजाउद्दीन साहब, महबूबुर रहमान साहब और महफूज भाई यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं बिल्कुल कम हौसले के साथ यहाँ इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ, या अल्लाह किसी तरीके से हमारी कौम तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। चार चार मिसरे में मैं पेश करना चाहता हूं। वहीं पे इसराइल मामू यहां पे तशरीफ फरमा है, कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर आ रहे हैं, मैं उनको बार बार देख रहा हूं, घड़ी घड़ी वो अपना तेवर बदल रहे हैं, डर सा भी लग रहा है। जनाबे डॉक्टर साजिद साहब मेरे बड़े मोहतरम, जनाबे तबारक हुसैन इदरीसी साहब, आइए सबको शरीक करता हूँ। इब्तदाए दौर से आपने अशार सुने हैं, आखिर में आकर के जनाबे क्या नाम है दिल खैराबादी साहब मुझसे आखिरी जो थे, हाँ अंबर इलाहाबादी साहब बेचारे थोड़ा सा मायूस हुए हैं, मगर अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। बेशक जनाबे काविश रदौलवी साहब आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये आखिरी वक्त का पहर जो होता है बड़ा नाजुक होता है। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा वैसे ही बना दीजिए जैसा अल्ताफ पढ़ रहा था, तो वैसे ही बना दीजिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब ये हमारे बड़े गुजर गए तो आखिर में मुझे आना रहता। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो मुझसे बड़े हैं वो हमेशा कायम रहे, आमीन, ताकि बीच में मुझे पढ़ने का मौका मिले। मोहतरम जनाब कमालुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कमाल के सामईन से आपने मुझे मुलाकात करने का शर्फ हासिल करवाया। मतला हाजिर करता हूँ, जुड़िएगा, रफ्ता रफ्ता मैं आऊंगा आपके मिजाज के मुताबिक, मगर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। ये आखिरी वक्त है जहाँ शुजाउद्दीन साहब जैसी अजीम शख्सियत हो वहाँ ऐसी शायरी पेश करूँ जो उनके दिल की दुआ मुझको मिल जाए। मुलाहिजा फरमा लें, अर्ज किया है कि प्रधान जी अफजल प्रधान साहब मुलाहिजा फरमा लें कि अर्ज किया है कि घर थोड़ा सा जहां अच्छा न लगे वहां और जोर से वाह वाह कीजिएगा। पेश करता हूं मुलाहिजा फरमा लें, अर्ज किया है कि घर जमी जेवर दुकाने सब ख्याली हो गए। क्या अच्छा है, जरा जुड़िएगा। अर्ज किया है कि घर जमी जेवर दुकाने सब ख्याली हो गए, बेटियां ब्याही गईं तो हाथ खाली हो गए। ये अच्छा था भाई, स्टेज वालों थोड़ा सा अल्लाह के वास्ते आप जुड़ जाइएगा, मैं तवज्जो चाहूंगा। अर्ज किया है कि घर जमी जेवर दुकाने सब ख्याली हो गए, घर जमी जेवर दुकाने सब ख्याली हो गए, बेटियां ब्याही गई तो हाथ खाली हो गए, बीवी की बातों में आकर छोड़ा जब बेटों ने साथ। अरे क्या, बीवी की बातों में आकर छोड़ा जब बेटों ने साथ, जैसे बूढ़े बाप बिन पत्तों की डाली हो गए,
जैसे जैसे साहिल भाई, जैसे बूढ़े बाप बिन पत्तों की डाली हो गए, जैसे बूढ़े बाप बिन पत्तों की डाली हो गए। आपने चार मिसरे का इस्तकबाल किया और एक कदम बढ़ाता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि फिर बदल सकता है, फिर बदल सकता है। तेवर उन्हें मालूम नहीं, सुहेल आजाद साहब के फिर बदल सकता है तेवर उन्हें मालूम नहीं। वाह, टहनी बन सकती है खंजर उन्हें मालूम नहीं। ये स्टेज वालों वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि फिर बदल सकता है तेवर उन्हें मालूम नहीं, टहनी बन सकती है खंजर उन्हें मालूम नहीं। बद्र किस चीज का है नाम बताओ उनको, 313 का लश्कर उन्हें मालूम नहीं। वाह वाह वाह, बद्र किस चीज का है नाम, बद्र किस चीज का है नाम बताओ उनको, 313 का लश्कर उन्हें मालूम नहीं। 313 का लश्कर उन्हें मालूम नहीं। मोहब्बत की लगा दी जाए मालो असबाब पे, मैं भी बहुत इतराता था, मालदारों को मेरी कब्र दिखा दी जाए। अरे वाह 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 वाह, तालियों से इस्तकबाल करें इस शेर पर। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया दिल भाई मुकर्रम है। बहुत ऐसे शेर पर एक बच्चे में हौसला अफजाई की, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अब आपने मिजाज बना दिया दिल का मिजाज बनाया है। कसम खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर इस शेर पर ये आकर के दाद दे रहा है तो इसकी जहानत पूरे सामईन एक तरफ और ये दीवाना एक तरफ। जोरदार तालियां बजा दीजिए, ये पूरी दुनिया देखेगी भाई। जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्या कहने दिल भाई। बाबा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। आवा इधर भाई, आवा बहुत। अरे वाह, अल्लाह सलामत रखे। ये ऐसे शेर पर ये बस कीजिए। प्रतापगढ़ की नाजिस, प्रतापगढ़ी की धरती है ये नाजिस, प्रतापगढ़ी के शहर का। जब ऐसा शख्स ऐसे शेर पर नवाजता है तो दुनिया के मैं मैसेज देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह उर्दू का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसे सिपाही मुजाहिद मौजूद हैं, मैं पेश करता हूँ। अभी एक छोटे बच्चे ने पहले माला पहना दी, इस बच्चे के हवाले से एक मतलब पुराना वाला हाजिर करता हूँ, नए सामईन की नजर करता हूँ। कि अभी नन्ना सा पौधा है, और तो यार अरे वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा। कि अभी नन्ना सा पौधा है, अभी नन्ना सा पौधा है, अभी नन्ना सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्ना सा पौधा है, अभी नन्ना सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। भाई हमारे जेड मुशायरा मीडिया के जो लोग हैं कवरेज कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद, क्या कहने, शूट कीजिए इन लम्हों को भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हवा का रुख बदल देगा हमारी कौम का बच्चा, हवा का रुख बदल देगा, हवा का रुख बदल देगा हमारी कौम का बच्चा, हवा का रुख बदल देगा। कि मैं मुस्लिम कौमी एकता के नाम, कि मैं मुस्लिम कमालुद्दीन भाई, कि मैं मुस्लिम वो है हिंदू
मैं मुस्लिम वो है हिंदू। तवज्जो चाहूंगा। हवा का रुख बदल देगा, मैं मुस्लिम वो है हिंदू। प्यार के हम दोनों हैं प्यासे, मैं मुस्लिम हो वो हिंदू। जमजम दूंगा उसको, वो भी मुझको गंगा जल देगा। भाई हमारे अब्दुल हुसैन प्रधान साहब और हमारे कौशल कुमार प्रधान साहब, ये दोनों साहबान मोहब्बतों से नवाज रहे। क्या कहेंगे? नहीं सही नहीं, गूंज कम कीजिए इसकी। दूंगा उसको भी मुझको गंगा जल देगा, मैं जमजम दूंगा उसको वो भी मुझको गंगा जल देगा। बहुत अच्छी शायरी पर बहुत अच्छे लोगों ने नवाजा है। आइए उस कबीले का दो शेर और है जिसपे सुहेल आजाद साहब इरशाद अंजुम साहब की खूबसूरत नुमाइंदगी करता हुआ मिसरा नजर आएगा। मुलाहिजा फरमाले कि देख लूं मैं भी के नफरत में है कितना पानी, हर तरफ आग मोहब्बत की लगा दी जाए। मालो असबाब पे मैं भी बहुत इतराता था, मालदारों को मेरी कब्र दिखा दी जाए। अब शेर लेके जाइएगा। एक तबलीगुल जमा साहब, तबारक हुसैन इदरीसी साहब, एक दरवेश की पाली हुई गुर्बत हूँ मैं। हाय हाय हाय, हर तरफ मोहब्बत की लगा दी जाए। मालो असबाब पे मैं भी बहुत इतराता था, मालो असबाब पे मैं भी बहुत इतराता था, मालदारों को मेरी कब्र दिखा दी जाए, तैयार रहना, हर तरफ आग मोहब्बत की लगा दी जाए। एक दरवेश की पाली हुई गुर्बत हूँ मैं, बादशाहत मेरी खिदमत में लगा दी जाए। एक दरवेश की, अरे बाबा बाबा क्या कहने भाई, ताबिश अपनी मोहब्बतों का इजहार। एक दरवेश की पाली हुई गुर्बत हूँ मैं, एक दरवेश की पाली हुई गुर्बत हूँ मैं, एक दरवेश की पाली हुई गुर्बत हूँ मैं, बादशाहत मेरी खिदमत में लगा दी जाए, बादशाहत मेरी खिदमत में लगा दी जाए। आइए हजरात एक नई गजल जो इन दिनों बड़ी तेजी के साथ मैंने एक मुशायरे में पढ़ी है, उस गजल को पढ़ा है, उस गजल को मैं हाजिर करना चाहता हूँ। ये नौजवान बड़े मुरझाए से लग रहे हैं, मैं जानता हूँ इनकी खुराक सिर्फ गीत के कुछ बंद हैं। क्या बात है, मगर गजल मैं सुना रहा हूँ जिसमें गीत आपसे मुखातब हो करके आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह। मुलाहिजा फरमा लें कि मुझे ऐसा लग रहा है, लीजिए मजा, क्या बात है, काश के वो मजमा मिल जाता। मुलाहिजा फरमा लें कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है। गजल देखिएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, तेरा घर यही कहीं है, तेरा घर यही कहीं है, ये हवा बता रही है, तेरा घर यही कहीं है, ये हवा बता रही है, तेरा घर यही कहीं है, ये हवा बता रही है। अभी आपकी फरमाइश तक आऊंगा, मायूस मत होना, एक शेर और नजर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि तेरे शहर का कबूतर
तेरे शहर का कबूतर, बहुत कबूतर आप सुनते हैं कि तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तू सहेलियों से अपनी पढ़ा रही है, तू सहेलियों से अपनी मेरा खत पढ़ा रही है, तू सहेलियों से अपनी मेरा खत पढ़ा रही है, तू सहेलियों से अपनी मेरा खत पढ़ा रही है। अब तमाम मजनू की नजर एक मिसरा करता हूँ, तैयार रहना जितने दिल के जले हैं वो तैयार रहे, मुलाहिदा फरमा लें, पढ़ा रही है कि तेरे दौर का मैं मजनू, तेरे दौर का मैं मजनू कौशल भाई, कि तेरे दौर का मैं मजनू, मेरे दौर की तू लैला, क्या बात है, तेरे दौर का मैं मजनू, तेरे दौर का मैं मजनू, मेरे दौर की तू लैला, तेरे दौर का मैं मजनू, मेरे दौर की तू लैला, तेरा प्यार मेरा हक है, मेरा प्यार मेरा हक है, मेरा हक दबा रही है, मेरा प्यार मेरा हक है, मेरा हक दबा रही है, मेरा प्यार मेरा हक है, मेरा हक दबा रही है। जनाबे अफजल प्रधान साहब के दोनों बच्चों का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, मुबस्सिर मुफज्जल और मुदस्सिर और जावेद साहब, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए एक गीत तक पहुंचता हूँ। अल्लाह करे कि ये गीत में जो आप बहुत सी उम्मीद लगा करके बैठे हैं, आस लगा करके बैठे हैं, मैं चाहता कुछ और हूँ और इस वक्त हो रहा है कुछ और, मुझे मजबूरन गीत पे आना पड़ रहा है। हालांकि ये गजल का एक मतला मेरा जी चाह रहा था कि आपके हुजूर पहुंचा दूं, मगर आपकी ये खामोशी संजीदगी मुझे परेशान कर रही है कि मैं वो गजल का मतला न पढ़ करके आप तक गीत ही पहुंचा दूं तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या बात है, इनकी खामोशी तोड़ने के लिए ये तमाम मर्दों को आज अल्लाह का शुक्र है कि कोई मोहतरमा आज के मुशायरे में नहीं है, जितने हैं सब मर्द मौजूद हैं। मर्दों के दरमियान एक मर्द मर्दाना शेर पेश करना चाहता है, वो भी मर्द की जमीन प्रतापगढ़ बाबूगंज में डेरवा में कटरा में मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मगर ये चार मिसरे आपके खिदमत में हाजिर करता हूँ। मुलाहिदा फरमा लें कि पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, आप संजीदा हो गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब ये मिसरा हाजिर करता हूँ, ये बेचारे फूल बदल दिए, मैं भी मिसरा बदल दूंगा अभी। मुलाहिदा फरमा लें कि पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, इसराइल मामा तैयार रहिएगा, कि पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, कि पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, पुरखों की विरासत है, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत
जन्नत में रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। हमारे भारत में रहेगी। कौशल कुमार प्रधान साहब और अफजल हुसैन प्रधान मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। इसराइल मामा साहब, इसराइल इशरत मामा साहब भी अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। क्या कहने, बहुत अच्छे भाई बाबा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि पुरखों की विरासत है विरासत में रहेगी, पुरखों की विरासत है विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, ये पुरखों की विरासत है, पुरखों की विरासत है विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी, विरासत में रहेगी। मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी, मैं क्या मेरी औलाद भी भारत में रहेगी। दो अजीम नाम के एक तरफ जनाबे बाबर साहब हैं और एक तरफ हबीबुर रहमान साहब। आइए दो मिसरे इन दो शख्सियतों के हवाले से हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें, विरासत में रहेगी कि मस्जिद में, मस्जिद में तैयार रहना कि मस्जिद में अजां देगा मेरा बेटा मुअज्जिन, मेरा बेटा मुअज्जिन मस्जिद में अजां देगा, मेरा बेटा मुअज्जिन मस्जिद में अजां देगा, मेरा बेटा मुअज्जिन, मेरा बेटा मुअज्जिन के मस्जिद में अजां देगा, मस्जिद में अजा देगा मेरा बेटा मुअज्जिन, मस्जिद में अजा देगा मेरा बेटा मुअज्जिन, मेरा बेटा मुअज्जिन, मेरा बेटा मुअज्जिन। मशगूल मेरी बेटी तिलावत में रहेगी, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह भाई, वाह, बेटी तिलावत में रहेगी, मशगूल मेरी बेटी तिलावत में रहेगी, मशगूल मेरी बेटी तिलावत में रहेगी, तिलावत में रहेगी, तिलावत में रहेगी। बहुत मैंने कोशिश कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो जो भी शायरी इस वक्त पेश की जाए सब अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर रहे हैं, मगर एक होता है कि मुस्कुराते हुए और एक होता है कि मुरझाए हुए। तो अब फैसला आपको करना है कि मुरझाए हुए सुन रहे हैं कि मुस्कुराते हुए। डर लग रहा है गीत भी सुनाने को, अगर गीत पढूं गीत पे भी वो माहौल इस वक्त नहीं बन सकता जो मैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ, अरे वही उसी में है अभी, आप लोग उसी देखिए, नौजवान जब पायल में गुमराह हो जाएंगे तो अच्छी शायरी कहाँ पसंद आएगी। जब पायल की बात कर लिए मेरे भाई, ये हमारे मेहमान हैं और हम मेजबान हैं, कम से कम हम अपनी मेजबानी का हक अदा करें। हमारा क्या जा रहा है, दो बात आप बुलंद आवाज से वाह वाह कर दिए, शायर का दिल भर जाएगा। क्या बात है भाई, एक मर्तबा जोरदार तालियों से तमाम लोग इजाजत दीजिए। दिल खैराबादी साहब अपने, अल्लाह करे कि जो मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग सुन लें तो मजा आ जाएगा। अब एक गजल का एक मतलब जो कहीं पढ़ने को जी नहीं चाहता, जो गजल आखिरी वक्त में मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या गीत ही पढ़ूं? गीत की गारंटी क्या है, बात गारंटी है कोई? मुझे खदशा इस बात का है कि गीत पढ़ूं तो इस वक्त अजीब सा मुझे लग रहा है, डर लग रहा है। हकीकतन मैं गीत पढ़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, एक मतला दे रहा हूं भाई, तवज्जो चाहूंगा। कि मल्लाहों का, सुनिए आप तो मजा आएगा इंशाल्लाह। नई गजल, मैं जान रहा हूं कि ये हो सकता है कि हवा में चली जाए,
मगर आपकी जिम्मेदारी है, हवा को रोक भी सकते हैं इस वक्त। मुलाहिजा फरमा लें कि मल्लाहों में नाव का झगड़ा, हाय हाय हाय, मल्लाहों में नाव का झगड़ा, मल्लाहों में नाव का झगड़ा, दरिया में तुगयानी है। मिसरा उठा लीजिएगा, हालात हाजरा की अक्कासी करता हुआ नजर आएगा कि मल्लाहों में नाव का झगड़ा, दरिया में तुगयानी है। यानी है कैसे दरिया पार करूं मैं, सर से ऊपर पानी, अरे वाह 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 वाह, कैसे दरिया पार करूं, कैसे दरिया। हमारे कमालुद्दीन साहब तनवीर, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, और हमारे कौशल प्रधान साहब, पार करूं मैं सर से ऊपर पानी है। अब एक शेर इस गजल का हाजिर कर रहा हूं, आपने मतले की हिफाजत कर ली है, मुलाहिजा फरमा लें कि कागज की एक नाव बनाओ, कागज की एक नाव बनाओ, लाके जला दो साहिल पर। सुनिए यार इस वक्त क्या मजा, कागज की एक नाव, एक नाव बनाओ, लाके जला दो साहिल, लाके जला दो साहिल पर, कागज की एक नाव बनाओ, लाके जला दो साहिल पर, बच्चों ये तो खेल नया है लेकिन बात पुरानी है, बच्चों ये तो खेल नया, क्या तल्मी पेश की है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। यही बच्चे हैं जो गीत पर दाद देते हैं और ऐसी शायरी पर बिल्कुल खूबसूरत अंदाज से इन्होंने इस्तकबाल किया है, मैं तुम्हारी भाई शुक्रिया अदा करता हूँ बतौर खास। एक शेर और इस कबीले का आपने हौसला बढ़ा ही दिया है, मुलाहिजा फरमा लें कि इसको मदद रब की कहते हैं, इसको मदद रब की कहते, इसको मदद रब की कहते हैं, ऐसा होता है ईमान, इसको मदद रब की कहते हैं, ऐसा होता है ईमान, शाख है शाख है गर्दन काट रही है, दुश्मन को हैरानी है, शाखे गर्दन काट रही है, दुश्मन को हैरानी